टॉपिक हम यूज करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड। अच्छा सर, एक एक चीज और बता। तो आज की टॉपिक हमारी है प्रोटेक्शन मेथड। हमने कंडीशनल फंडिंग को खत्म किया, अब बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड के बारे में, क्योंकि उससे पहले तो फॉर्मेट टेबल है, सेल स्टाइल है, इंसर्ट डिलीट है, ये नॉर्मल चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो इसमें बाद में। प्रोटेक्शन मतलब कि इस फाइल को, फुसीट को अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करना, ताकि आपका डेटा आपके नॉलेज के बगैर कोई ना देख सके, ना राइट कर सके, ना रीड कर सके वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं सीट के इससे, प्लीन्यूट कर लीजिए प्लीज, सीट के प्रोटेक्शन से। जैसे मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरा इस पे कोई डेटा इंट्री ना कर सके, कान चेन, कोई भी पर्सन इस पे डेटा कान चेन ना कर सके। कैसे करेंगे? तो इसलिए जाहिर सी बात है, सीट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पे प्रोटेक्ट सीट करेंगे और यहां पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। याद रखिएगा, अगर पासवर्ड डालते हैं तो क्लियरली आपको यहां पे कर रहा है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड को रिकवर करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए केयरफुल होकर पासवर्ड डालेगा। हाँ, हालांकि बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे जो कि पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं, लेकिन वो उससे पासवर्ड आपका क्रैक होगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब मैं इस पे अपना पासवर्ड डाल देता हूं, पासवर्ड डाल दिया। अब मैं कुछ करना चाहता हूं तो चेंज नहीं कर सकता, बट सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी करके किसी और लोकेशन पे ले जा सकता हूं। सो नाउ आई वांट टू डोंट कॉपी द फाइल, कि कोई भी कॉपी ना कर सके। बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि वहां पे आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, राइट क्लिक नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से मैं यहां चाहता हूं कि कोई भी पर्सन यहां पे राइट क्लिक करके कॉपी ना कर सके या कॉपी ना कर सके। तो कॉपी को डिसेबल करने का ऑप्शन एक्सेल में नहीं है, क्योंकि कॉपी एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये विंडो का पार्ट है और विंडो की प्रॉब्लम, विंडो की फैसिलिटी को एक्सेल नहीं छेड़ सकता। लेकिन कॉपी करने की जरूरत क्या पड़ती है? सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन को रिमूव कर दें तो कॉपी होगा ही नहीं। तो यहां पे हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम यहां पे जाते हैं और पहले इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करके मैं यहां पे प्रोटेक्ट शीट करता हूं और यहां पे मैं पासवर्ड डालता हूं। ओके, लेकिन पासवर्ड डालने से पहले एक चीज यहां पे देखिए, ये आपके सामने है अलाउ ऑल यूजर ऑफ वर्कशीट टू, मतलब कि जो यूजर है इस वर्कशीट के ऊपर क्या क्या कर सकता है आफ्टर द प्रोटेक्शन, ये आपके है कि वो लॉक सेव कर सकता है, अनलॉक कर सकता है, सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकता है, लॉक अनलॉक को, फॉर्मेट, इस बार फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद यूजर फॉर्मेटिंग कर सकता है, फिल्टर, पिवट, ये सब चीजें इस पे दे सकते हैं। तो इसमें सिलेक्शन का दिया हुआ है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन यूजर कैन बी सिलेक्ट द डेटा, तो मैं इसको अनचेक करके ओके करता हूं। अब यूजर इसको क्लिक ही नहीं कर सकता है तो सिलेक्शन क्या करेगा? क्लियर है वीर सिंह जी एंड राहुल जी? हाँ जी, क्लियर है सर। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं कि सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट अनलॉक, अनलॉक क्या होता है उसके बारे में। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, मैं चाहता हूं, एक एरिया है कलर, मैं चाहता हूं कि पूरी सीट हमारी प्रोटेक्ट हो इस एरिया को छोड़ के, इस एरिया में किसी का किसी तरह का प्रोटेक्शन वाला काम ना, कोई इसको प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट, मतलब कि प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़े, इस पर हम टाइप कर सके। तो जो सेल होता है वो प्रोटेक्ट कब होता है?
यहाँ देखिए, जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे प्रोटेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ लॉक पे क्लिक होता है। लॉक पे क्लिक है इसका मतलब ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, पासवर्ड डालने के बाद वो किसी तरह की चेंजिंग नहीं करने देगा, क्योंकि जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड पे बोलता है अलाउ ऑल यूजर टू दिस वर्कशीट टू, माफ कीजिएगा गलत पड़ गए ऊपर, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ द लॉक्ड सेल। जो हमारा लॉक्ड सेल है उसी के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके इसको अनचेक कर देते हैं, ये अनलॉक्ड हो जाएगा और फिर इसके ऊपर हम पासवर्ड दे देते हैं। तो क्या हुआ कि हम इस पे काम कर सकते हैं बट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमारी लॉक्ड है और इसकी प्रॉपर्टी अनलॉक्ड है। अब इसी को वाइस वर्सा करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा सीट अनलॉक्ड हो लेकिन ये जो रेड एरिया है ये एरिया हमारा अनलॉक्ड हो, उसे लॉक्ड हो ये अनलॉक्ड हो, उल्टा करना है। तो हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट हर एक सीट जो है आपका लॉक्ड होता है। तो हमने यहां पूरी सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया और इसको अनलॉक्ड कर दिया। मतलब कि अब पासवर्ड डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहीं भी किसी तरह की चेंजिंग कर सकता हूं, लेकिन मुझे इस पे चेंजिंग नहीं करना है। तो इस एरिया को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में जाए और वापस इस पे हमने लॉक्ड लगा दिया। अब मैं राइट क्लिक करके अगर प्रोटेक्ट शीट करके अगर इसमें पासवर्ड डालता हूं तो यहां देखिए कि मैं यहां टाइप कर सकता हूं बट नहीं कर सकता। ओके ओके सर, यस सर, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अगला ऑप्शन है इसका बेनिफिट क्या है। चलिए एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं, जैसे नेम, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ अमाउंट, एमआरपी सॉरी एमआरपी, और यहाँ अमाउंट, कमीशन, टैक्स एंड टोटल। तो अमाउंट इज अ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, कमीशन 2% ऑफ अमाउंट, टैक्स 18% ऑफ एंड और फिर यहां पे डेट एंड टाइम। अब मैं इस पे डेटा एंट्री करता हूं तो क्या होता है कि मैंने यहां पे दे दिया पूजा, क्वांटिटी में 20, एमआरपी 60, और यहां देखिए ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। तो मुझे इसकी एंट्री करने के लिए चार कॉलम जाना पड़ता है क्योंकि ये सारे और बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटेड है। तो मैं यहाँ एमआरपी टाइप करने के बाद मुझे चार कॉलम पार करके फिर यहाँ आना पड़ता है, तो मुझे मतलब कि 3 से 4 सेकेंड वेस्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार जहाँ बटन टिप करूँ सीधे जंप होकर यहाँ पे आ जाए या यहाँ जंप होकर यहाँ पे आ जाए, इतना एरिया में सिलेक्शन ही नहीं करना चाहता। तो सेम उसी तरह से पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और इसको अनलॉक को हटा देंगे और फिर जो फॉर्मूला वाला एरिया है उस पे फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। और पासवर्ड डालते समय याद रखिएगा मैं यहां पे लॉक्ड और अनलॉक दोनों है, तो सिर्फ मैं लॉक्ड की सिलेक्शन हटा देता हूं। लॉक्ड कौन सी है, डी से लेके जी तक जो कि फॉर्मूला लगा हुआ है उसकी सिलेक्शन हटा दी। तो अब मैं यहां पे टाइप करता हूं कि नीरज 24 55, और जैसे मैं यहां से कर्सर दूंगा सीधे जंप हो जाएगा और यहां पे डेट एंड टाइम निकल। तो एक फायदा हुआ, दूसरा है कि कोई फॉर्मूला भी नहीं देख सकता है मेरा, कोई फॉर्मूला नहीं देख सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन दू फिर भी फॉर्मूला कोई ना देख सके,
तो उसके लिए क्या करना है कि इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, लॉक को हटा दीजिए, नहीं माफ कीजिएगा मैं गलती कर दिया, लॉक को हटा के हिडन पे, यहाँ हिडन लॉक करने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी सकते रह भी सकते कोई दिक्कत नहीं है, हिडन को क्लिक कर दीजिए। और इस पे अगर पासवर्ड अगर आप डालते हैं तो अब देखिए यहां पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। अब कहीं कॉपी भी करूंगा ना मैं लेके तो पेस्ट है डिफॉल्ट वैल्यू होगा, फॉर्मूला नहीं। क्लियर है सर? यस सर, गुड। अब मैं चाहता हूं कि एक सेल के ऊपर दो अलग अलग पासवर्ड हो। जैसे मेरे पास एक एरिया है, इसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि मिस्टर बी के एरिया पे मिस्टर ए चेंज ना करे, मिस्टर ए के एरिया पे मिस्टर बी चेंज ना करे, दो अलग अलग पासवर्ड रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे रिव्यू में जाना होगा। रिव्यू टैब के अंदर में अलाउ एडिट रेंज होता है, उस पर क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और यहां से अपना रेंज को चेंज कीजिए। जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहां दे दीजिए एंड ओके, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके एंड अप्लाई। फिर वापस न्यू पे गए और हम यहां पे इसको सिलेक्ट किए और यहां पे मैं दे दिया 2 एंड ओके, अगेन 2 एंड ओके, इसको अप्लाई किया एंड ओके किया। तो अलग अलग फॉर्मूले इस एप्लीकेबल तब होगा जब इस पे हम पासवर्ड डालेंगे। तो प्रोटेक्ट शीट और इस पे हमने पासवर्ड डाल के मैं यहां चेंज करूंगा तो मुझे चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे इस पे चेंज करूंगा मुझसे मेरा पासवर्ड पूछेगा। अगर मैंने पासवर्ड दे दिया तो सिर्फ इसी एरिया में हम काम कर पाएंगे, इस पे काम करने जाएंगे तो अगेन मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड डाल भी दिया तो जब तक फाइल रीओपन नहीं होती है तभी तक एडिट होने देगा, रीओपन होते ही अगेन मुझसे पासवर्ड पूछेगा। क्लियर है सर? एक बार रिपीट करेंगे। सिंपल सी बात मत समझिए ना, जितने भी आपके एरिए हैं सारे एरिए को रिव्यू में जाके अलाउ यूजर एडिट रेंज से सबको डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड दे दीजिए। अलाउ एडिट रेंज, ओके ठीक है, और उसका पासवर्ड कर दीजिए। अब यहां देखिए किसी को मैं इजीली डिलीट कर सकता हूं ना, डिलीट ना हो उसके लिए यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक है, ओके कर दीजिए पासवर्ड डाल के, तो यहां पे कोई सीट डिलीट आएगा, इंसर्ट और डिलीट कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह से आप चाहते हैं कि कोई फाइल ओपन ही नहीं कर पाए, तो अगर आपके ओपन ओपन करते उसने पासवर्ड डाले, अगर फाइल आपके पास नया है तो सेव करते समय इसके टूल्स में जनरल ऑप्शन में जाके आप पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई कर सकते हो। ये तो शायद पता ही होगा आपको, लेकिन अगर मुझे फाइल को सेव एज नहीं करना है, मेरा फाइल ऑलरेडी सेव है, सेव एज नहीं करना है क्योंकि सेव एज करने से बहुत सारे लिंक टूट सकते हैं, तो यहां इन्फो के अंदर में आप जाएंगे तो यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहां पे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कर देंगे तो इस पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही हमारी प्रोटेक्शन मेथड।